किसानों के खेती कानूनों खिलाफ रोस प्रदर्शन को देखदिया होया केंद्र सरकार ने माल गड्डियां की आवाजाई पर रोक लगाई हुई है, जिस तहत किसानों ने भी मोदी सरकार को चेतावनी जारी की है कि जेकर सरकार वालों पंजाब च माल गड्डियां चालू ना की गई तो उन्होंने वालों भी दिल्ली दुध सब्जियां और होरना जरूरी वस्तां की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस संबंधी जानकारी देंदिया आजाद किसान सभा दुआबा के प्रधान हरपाल सिंह संघा ने दसिया कि यह विचार चंडीगढ़ च एक किसान जथेबंदी वालों मीटिंग दौरान की गई ने। उन्होंने दसिया कि 4 नवंबर को किसानों की चंडीगढ़ च मीटिंग होने जा रही है, जिस विच जथेबंदियों वालों जो भी फैसला लिया जाएगा उस अनुसार ही कार्रवाई अमल च लिया जाएगी। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देंदिया कहा कि किसान मोदी सरकार अगे कदे भी झुकने वाले नहीं हैं तो उन्होंने वालों अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखा जाएगा। तो आने वाली 5 नवंबर को भी किसान जथेबंदियों वालों देश भर च चक्के जाम किए जाएंगे। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। देखो साढ़े सीनियर आगू हैं वो अपनी किसान जथेबंदी वालों 29 किसान जथेबंदियों के बीच शामिल हैं। उन्होंने अपनी जी जी जथेबंदी आदि यह मीटिंग आ जोड़ा उन्होंने कहा यह 4 तरीक न किसान जथेबंदियों की चंडीगढ़ के मीटिंग है जी। वो की पास हों की फैसले ले जाते पंजाब जी सेंटर की सरकार आड़ियल वतीरे हो सकता उन्होंने फैसला लागू हो जाए, हो सकता वो ना कोई होर भी सख्त हो जाए, होर कोई वो बखरे विचार भी आ सकते हैं। पर जो भी वो जड़िया साढ़िया 30 किसान जथेबंदियां जो भी वह फैसला लैनगियां वो इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जी मोदी सरकार आने बहाने करके जरा किसान घोल में ढा लाने खातर ये सारा कुछ जरा कर रही है, क्योंकि ट्रैक सारा दिल्ली तो लैके ये जरा जम्मू में जा रहा ट्रैक सारा खाली है। ये उत्ते कोई भी किसान जथेबंदी बैठी नहीं, जड़ियाँ साड़ियाँ किसान जथेबंदियां साड़ी भरातरी जथेबंदी बैठी है वह जड़े प्राइवेट थर्मल आ उन्होंने गेटा मूहरे बैठी है, जहाँ अडानी अंबानी का जरा साइलो आदे मूहरे बैठी है। ये बहानेबाजी बना के जो किसान घोल के उत्ते दबाव बना चाहती है, जिहो जिहा वह दबाव बना चाहते हैं असी भी यहोजा कुछ करा, असी बहुत कुछ जरा इस देश में सप्लाई करते हैं, इनू जरा 50% तो वध जरा असी अनाज दें सब्जियां दें दुध दें होर कुछ आ जो भी उधर 30 जथेबंदियां फैसला करनगियां वह फैसला इंप्लीमेंट होगा। की लगता जेकर 4 नवंबर को बाकी जथेबंदियां सहमति प्रगट आंदियां तो की इहदा तुहानूं फायदा होगा? देखो जी जे सानूं आ माल दिल्लियों आना सी, साडी फसल बीज हो रही है, साडी फसल गांह तैयार हो रही है, सानूं खाद की लोड़ आ, दिन त्यौहार आ रहे हैं, लोगों नूं उह जिहड़ा हैगा व्यापारियों का उहदे विच रेलों के ट्रेनों के माल खड़ा जिहड़ा हुण सानूं DAP जां यूरिया आ रहा यह हरियाणा के गड्डियां जी लैके आना पै रहा वह महंगा पै रहा। यह जिहड़ा हैगा भी जे वह नहीं वह अड़ियल वतीरा आ मान लो इस देश नूं जिहड़ा किसान जरा सब कुछ पैदा करके दिता असी भी डकांगे, जो होर भी इख्तियार हो सानू फायदा हो साडी मूवमेंट नू हलारा हो, असी किसान विरोधी नहीं, असी मजदूर विरोधी नहीं, असी देश के व्यापक हिस्से के लिए जी लड़ाई आ वह लड़ रहे हैं। 5 नवंबर को देश व्यापी चक्का जाम की कॉल दी गई है किसान जथेबंदियों तो लोगों का तुम की समर्थन मांगते की अपील करना चाहोगे? असी कहने जी भी ये जड़िया हूँ जी साड़िया जथेबंदियां पहला एक लहर जी सी पंजाब तक सी सीमित ये हौली हौली वधदी वधदी हरियाणे चल गई राजस्थान चल गई हौली हौली साड़ी जी लहर आ देश व्यापी हो गई जी। जी हुण मीटिंग हुई आ दिल्ली दे विच सारिया किसान जथेबंदियां उत्थे 338 जां कुछ समथिंग इनिया उत्थे जथेबंदियां जिहड़ियां इहदे विच शामिल होईयां। जदों असीं पंजाब बंद कर दांगे देश बंद कर दांगे पंजाब बंद कर दांगे देश बंद कर दांगे इहदा असर सारे जिहड़ियां होर स्टेटां ते पऊगा, यह मूवमेंट जिहड़ी होर जोर फड़ूगी। मतलब जिहड़ी मोदी जो कुछ लैके आ रहा इहदा इह जवाब देवांगे इहदा मूँह तोड़ जवाब देंगे तो ये जो आर्डीनेंस है वापस कराने असी इनू मजबूर कर देंगे।